आज हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं परसेंटेज का। इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर दे चुका हूँ, अगर आपने उसे नहीं देखा है देन प्लीज़ फर्स्ट लेक्चर को देखिए। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे परसेंटेज पे जो आते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन होता है परसेंटेज में जो बेसिक पूछा जाता है कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का कितने प्रतिशत है या कितने परसेंट है। सो फ्रेंड्स, इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जो नंबर पूछा गया है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसका या जिससे कंपेयर किया जाए उसको नीचे लिखेंगे। इंग्लिश में अगर होगा ऑफ या फिर जिससे कंपेयर कर रहे हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 72, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं 72 से, तो इसको हमें 100 बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस नंबर को 12/72 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/6। कितना परसेंट होता है, 16 सही, 2/3%। तो इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस की संख्या। तो इस इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट इस क्वेश्चन को कैसे और घुमा के पूछ सकता है कि ये पूछ सकता है कि जैसे 12 मिनट है, तो वो बोल सकता है कि 12 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो अब जिसे ये चीज पता है वो इजीली कर लेगा कि 12 मिनट है तो दिन को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो परसेंटेज है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस यूनिट होती है, तो इसमें कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक रेशियो है, अपॉन है किसी वैल्यू का, तो ये कट जाती है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो जो ऊपर आप डायमेंशन रखें, सेम डायमेंशन में भी नीचे भी रखें। ठीक है, तो जैसे पूछा गया कि 12 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो एक दिन में आपको पता है कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब आवर्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मिनट्स में, तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। ठीक है, तो ये आपका आ गया कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं जिस वैल्यू को और जिससे कंपेयर कर रहे हैं, अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 12 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे ये पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत अधिक है, व्हाट परसेंट इज ग्रेटर देन या फिर लेसर देन। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसमें भी सेम चीज रहती है कि जिससे कंपेयर किया जा रहा है, इसमें 150 से कंपेयर किया जा रहा है, इसमें 120 से। अब देखिए 120 150 से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले प्रतिशत को छोड़िए, पहले देखिए कम कितना है, तो कितना कम है, 30 कम है। ठीक है, अब देखिए कंपेयर किससे किया जा रहा है, 150 से। ठीक है, सेम वे में अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे आपको अगर वैल्यूज याद हैं तो ये 1/5 हो गया है, तो ये कितना होता है, 20%। ठीक है, और सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी कई बार ये क्या होता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि लोगों को लगता है कि 120 को 150 से 30 का ही तो अंतर है, तो जो भी परसेंट आएगा वो सेम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें परसेंट में कंपेयर किससे किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 150 से 120 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक तो अभी भी 30 है, लेकिन अब कंपेयर किससे किया जा रहा है, 120 से, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25%। ठीक है, तो देखिए आंसर कितना डिफरेंस आ गया। तो ये चीजें हैं कि कंपेयर जिससे किया जाएगा उसको नीचे रखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि रेशियो को परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस इस पे जो आते हैं उन्हें चलिए देखते हैं। अब जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि बताया गया हमें वैल्यू दे दी गई, एक वैल्यू दी गई और एक परसेंटेज दे दिया गया, और अब हमसे वो कुल वैल्यू जानना चाहता है, यानी कि 100% की वैल्यू जानना चाहता है। तो देखिए आपको पता हो ये वो बोल रहा है कि 36% आम खराब हैं या फिर एडिबल नहीं है, और अच्छे आम या फिर जो एडिबल मैंगोज हैं, एडिबल मैंगोज कितने हैं, 144 हैं। तो आपको पता है कि कुल संख्या या इनिशियल वैल्यू जो होती है वो अपने आप में पूरी होती है, यानी कि 100% होती है। तो 100% का कुछ पार्ट जो है वो खाने योग्य है, यानी कि एडिबल है, और कुछ खाने योग्य नहीं है। ठीक है, तो बोल रहा है 36% जो है वो खाने योग्य नहीं है। ठीक है, और 64% खाने योग्य हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर टोटल 100% है और 36% खाने योग्य नहीं है, तो बचा हुआ पार्ट खाने योग्य होगा। ठीक है, तो 64% जो खाने योग्य है, यानी कि जो अच्छे आम है, उनकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 144। तो 64% की आप वैल्यू कितनी रख देंगे, 144।
तो इससे मैंने आपको बताया था कि अगर 64 की वैल्यू 144 है तो आप क्या निकालेंगे, 1% की वैल्यू। देखिए हमारे अकॉर्डिंग 64% होनी चाहिए, तो 64% की वैल्यू कितनी है, 144, तो हम लोग 1% की इससे वैल्यू निकालेंगे। एंड देन पूछा क्या गया है, कुल आमों की संख्या, ठीक है, तो कुल आम कितने हैं 100%, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 144/64, और 100 के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, 100% की आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितने आम होंगे टोटल, इसको चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको 16 से काट सकते हैं, 16 चौक 64, और 16 नवैया 144, ठीक है। अब 4 से आपको पता है 100 कट जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा, तो 25 नवैया 225। अगर आपको पहाड़े याद हैं तो आप बहुत तेजी से कर सकते हैं इनको, अदरवाइज कुछ सेकंड्स ज्यादा लेकर भी आपका आंसर आ जाएगा। इस पे कुछ और एक क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जैसे बोल देता है कि क्लास में 65% बॉयज हैं, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। इस पे और एक क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपको बोला गया कि 65% बॉयज हैं, मैं बी से बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और बोलता है कि 280 गर्ल्स हैं, वो यहाँ पे परसेंट नहीं देता है, यहाँ पे क्या बोल दिया कि 280 गर्ल्स हैं, तो पूछता है कि क्लास की स्ट्रेंथ बताओ या फिर टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितने होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको पता है एक क्लास में टोटल कितने होंगे, बॉयज और गर्ल्स ही होंगे, तो बॉयज 65% है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 35%। तो 35% की आपको वैल्यू दी है 280, तो अगेन आप सेम प्रोसीजर अपनाइए, 35% की वैल्यू पता चल गई, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर टोटल की पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये कितनी आ जाएगी, 280 को आप 35 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1% की वैल्यू आ गई, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं फ्रेंड्स। अब ये एक नया टाइप है, चलिए इसको समझते हैं। इसमें देखिए 20 से बोला है 20% अधिक है, मैंने यहाँ पे बताया था आपको बेसिक वैल्यूज लेना, आप इसमें कैसे कर सकते हैं, 20 से 20% अधिक है, तो मैंने बताया था 20% कितना होता है, 1/5, तो बी को अगर आप 5 ले लेंगे तो बी से 5%, यानी कि बी 20 यानी कि 5, और इसका 20% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 5 का 20% 1 आ जाएगा, तो ये 20 से 5% सॉरी 20 से 20% यानी कि 1 वैल्यू अधिक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आ गई ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, अब जो भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना कम है पहले तो ये देखिए, तो एक और कंपेयर किससे करना है, ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये आ गया आपका 1/6, और आंसर क्योंकि उसे परसेंटेज में चाहिए तो 1/6 आपको पता है कितना होता है, 16 and 2/3%। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसी टाइप के। अब जैसे बोला गया है कि बी ए से 14 and 2/7% ज़्यादा है, तो ए आपको पता है, देखिए फ्रेंड्स इसको करने को 100 से भी कुछ लोग करते हैं, जैसे कि वो क्या करते हैं कि 100 से मान लेते हैं और 20% ज़्यादा है तो 120, और फिर 20/120 इस तरह से करते हैं, या फिर इसके जो फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आंसर आने में कितनी दिक्कत हो जाएगी अगर आप फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, और इसको कैसे करना है वो भी सीखते जाइए। तो ए से बोला है, तो ए यहाँ पे मान लेते हैं चलिए कि ए है, तो ए कितना हो जाएगा, हमें पता है कि ये कितना है, 1/7 है, तो ए कितना हो जाएगा, 7, और 7 का 14 2/7% यानी कि 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इससे ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो अब पूछ रहा है ए बी से कितना परसेंट कम होगा, तो ए बी से कितना कम है, 1, और कंपेयर किससे करना है, बी से, तो 1/8 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो 1/8 कितना होता है, 12.5%, तो ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। और चलिए कुछ और एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए की सैलरी, अब देखिए फ्रेंड्स ये तो टाइप हुआ, ये आपको समझाने का तरीका है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है वो आप देखिए, कि सैलरी बी से 16 से 2/3 यानी कि 1/6 होता है, प्रतिशत कम है, तो बी की सैलरी ए से कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन फंसा के देता है, तो बी से बोला है तो बी कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, बी हो गया आपका 6, तो वो बोल रहा है ए जो है उसकी सैलरी बी से इतना कम है, तो 6 का 16 से 2/3% 1 हो गया, तो बी की सैलरी 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, तो ए की सैलरी कितनी है,
5, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, बी की सैलरी ए से कितना ज्यादा है, तो इसकी ज्यादा कितनी है, एक, और किससे, ए से, तो 1/5 यानी कि 20%, ठीक है। देखिए इजी से क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये तरीके नहीं पता है तो फिर बहुत लेंदी हो सकते हैं और बहुत टाइम कंज्यूम कर सकते हैं आपका पेपर के टाइम पे भी, तो आप इन्हीं शॉर्टकट्स का यूज कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, बी से बोला है और ये वैल्यू कितनी होती है आपको पता हो, 17/25 85 और 1500/17 यानी कि 1/17, तो ये अगर आपको याद है तो आप सीधे से लिख सकते हैं, नहीं तो आप जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये होती है 1/17 की, तो बी कितना हो गया 17, और ए उससे ज्यादा है और 17 का इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना होगा 1, तो ए कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, बी ए से कितना कम है, तो बी ए से कम कितना है 1, और कंपेयर किससे करना है, ए से, तो 1/18, ठीक है। 1/18 अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो जल्दी से क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 18 पंचे 90, और यहाँ पे बचा कितना 10/18 यानी कि 5 सही 5/9%, ठीक है। आंसर आपको अगर परसेंटेज याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जल्दी से निकाल लीजिए, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया, उसी क्वेश्चन में कुछ और डिफिकल्टी ऐड करी गई है। इसमें क्या है, तीन वैल्यूज हैं, ए है, बी है और सी है, इनमें कंपेयर करके पूछ रहा है एंड में परसेंटेज। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी से 16 सही 2/3% ज्यादा है, तो आपको पता है बी कितना हो गया 6, और ये इससे ज्यादा है तो ए कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब सी भी है तो सी को भी लिख देते हैं, वो क्या बोल रहा है, सी ए से 25% अधिक है, सी जो है वो ए से 25% है, सी इज ग्रेटर देन ए बाई 25%, तो सी ए से, तो ए कितना होगा 25 चौके 100, तो 4 आ गया, और ए से ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें ए की वैल्यू 1 रेशियो के अकॉर्डिंग तो 7 और 6 हो गई, लेकिन दूसरे रेशियो के अकॉर्डिंग 4 और 5 हो गई, तो ए की दो वैल्यूज तो हो नहीं सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस वाले रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले रेशियो में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ए की तो सेम वैल्यूज आ जाएंगी 7 चौक 28 और 7 चौक 28, और बी की भी एक वैल्यू आ जाएगी और सी की भी एक वैल्यू आ जाएगी, और जब आप इसको लिखेंगे, चलिए लिख देता हूँ मैं, 28 और 6 चौक 24 और 7 पन्ने 35, ठीक है। तो ये जो देखिए इसमें रेशियो होगा या जो परसेंटेज है वो मेंटेन रहेगा, आप इसमें चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, ए बी से अभी भी 16 सही 2/3% ही ज्यादा होगा और सी ए से अभी भी 25% ही ज्यादा होगा, तो आपका रेशियो भी मेंटेन रहा और आपकी तीनों वैल्यूज भी आ गई। अब वो कुछ भी पूछ रहा है आप उसे सीधे से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो पूछ रहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है या फिर कम है, हायर और लोअर, तो बी ए से कंपेयर करना है, तो बी कितना है 24, ए कितना है 28, तो कितना कम है 4, और कंपेयर किससे करना है ए से, तो ए कितना है 28, तो कितना हो गया 1/7, 1/7 आपको पता है कितना होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आप आसानी से इसे समझ सकें, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, चलिए, कि जैसे ए है वो बी से 10% ज़्यादा है, ठीक है, मैं इसको इस तरह से सिंबल्स बना लेता हूँ, इससे आसानी रहती है समझने में। ए बी से 10% ज़्यादा है, जिसकी तरफ सिंबल आप बनाइए, इसको आप इस तरह से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंबल से आपको याद रहेगा और करने में भी आसानी होगी। और सी जो है वो ए से, चलिए 11 1/9% ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ सिंबल इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, तो वो पूछ रहा हो एंड में क्वेश्चन कि सी ए से, सॉरी सी और ए में तो मुझे रिलेशन पता ही है, सी बी से, ठीक है, कितना परसेंट कम या फिर ज्यादा है, जैसा भी आएगा उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ए का बी से बोला है मैंने और 10% बोला है, तो 10 में यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, क्योंकि 10% कितना होता है 1/10, ठीक है। अब बी कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, और ए कितना होगा 10% ज्यादा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 10 का 10% 1, और ए कितना हो जाएगा 11, ठीक है। और सी बोला है ए से कितना है 11 1/9%, ये कितना होता है 1/9, ठीक है, तो यहाँ ये ए कितना हो जाएगा 9, और सी उससे ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ए की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे 9 का और यहाँ पे 11
11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 99 हो जाएगा ए, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110, ठीक है। अब वो पूछ रहा था सी और बी में रिलेशन, तो सी जो है वो बी से कितना है, 20 अधिक है, और अगर बी से कंपेयर किया जाएगा तो 2/9। तो ये आपको पता, मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि 1/9 कितना होता है, 11 एंड 1/9%। तो 2/9 कितना हो जाएगा, 22 एंड 2/9, यानी कि 22 सही 2/9%, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।